अब काफी सारे डिवाइस को एंड्रॉइड 13 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग एंड्रॉइड 9 पे होंगे, 10 पे होंगे, उनके लिए हमें बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई। कोई बात नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको कोशिश करते रहना, एंड्रॉइड के अपडेट जरूर मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो क्या हो गया, हम नया फोन ले लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात तो है, इसमें हर साल नया फोन तो ले नहीं सकते हैं। आज हम दो तगड़ी यूआई का यहाँ पर टक्कर करवाने वाले हैं, जिसमें से एक आता है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम या रियलमी यूआई, तीनों में से कुछ भी बोल लीजिए, तीनों में आपको सेम चीज मिलेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इनके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट बोल रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाके देखिए, यहाँ पर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। और दूसरी साइड है यहाँ पर फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वीवो में आता है और आईक्यू में आता है। सो आईक्यू और वीवो दोनों फोन है आपके पास, तो दोनों में आपको यही सेम अपडेट मिलेगा। सो वन प्लस, रियलमी, ओप्पो वर्सेस वीवो, आईक्यू, दोनों यूआई में से कौन सा आपको बेस्ट फीचर देता है, वो आपकी गेमिंग के काम आते हो चाहे यहाँ पर लुक के काम आते हैं, इस वीडियो के आखिर तक सारी चीजें पता चल जाएंगी। अबाउट फोन में दोनों ही आपको यूनिक लुक के साथ देखने को मिल जाएंगे, बट ज्यादा स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलेगा। देन फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर भी दी हुई है, बट ज्यादा जैसे कैमरा का हो गया, उसके बाद आपका बैटरी एमएच हो गया, स्क्रीन साइज हो गया। एंड्रॉइड में यहाँ पर अब जो है 12 नहीं बजाने, आपको 1 बजाने हैं, 1 बजाते ही यहाँ पर जो है घंटी चमक जाएगी। जिस तरह से कहते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, हम जो है पहले कवर को देखेंगे, कवर कैसा है। लुक्स एंड फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोनों में ही टोटली आपको अलग अलग लुक देखने को मिलता है। फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर थोड़ा सा बोरिंग साइड में आ जाता है, आप देख सकते हैं। अगर कंट्रोल सेंटर की बात करें तो बहुत पुराना लुक है ये, मतलब बहुत पहले एंड्रॉइड वर्जन चले आ रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा है यहाँ पर, वो मसाले की कमी है। लेकिन यहाँ पर जो है मसाला बरकरार है, आप देख सकते हैं। ज्यादा अपीलिंग यहाँ पर कलर ऑपरेटिंग सिस्टम लग रहा है, स्टॉक एंड्रॉइड की फीचर्स ज्यादा आपको फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म दिख रहा है म्यूजिक में, ये काफी प्यारी लगती है मुझे, एंड ये यहीं पर आपको मिल जाती है। प्लस ऐसा कोई फीचर आपको यहाँ पर नहीं मिलता, इसमें भी जो है अलग यूनिक टाइप का मिलता है, लेकिन कुछ वेव फॉर्म वाला नहीं मिलता है। प्लस आप यहाँ पर क्लिक करके सिंपली वॉल्यूम यहीं से आप ज्यादा कर सकते हैं, बट यहां पर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। सो कुछ छोटी छोटी चीजें यहां पर मिसिंग है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि ये लोग अपना तड़का ज्यादा डालते हैं देन स्टॉक एंड्रॉइड। उसके बाद अगर यहां पर हम स्वाइप डाउन करते हैं तो यहां पर आपके सामने कंट्रोल सेंटर आता है, लेकिन ये कुछ लुक आपको आईफोन की याद डेफिनेटली दिला देगा। यहां पर आपके सामने अलग अलग टाइप के विजेट्स आ जाते हैं जो आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन शो करते हैं। लॉक स्क्रीन ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है दोनों में, वॉल्यूम बार जो है दोनों में ही अलग अलग टाइप का आपको मिल जाता है, दोनों ही ठीक ठाक है। बट एक चीज यहां पर अच्छी है, आप हर एक ऐप का यहां पर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जो एंड्रॉइड 13 का एक फीचर था। जैसे मैंने यहां पर जो है क्रोम का लैंग्वेज चेंज करके हिंदी भारत कर रखा है, टोटल मेरे को फोन के लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना ही ऐप के अंदर जाने की जरूरत है, सिंपली यहीं से मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं। बट ऐसा कोई भी ऑप्शन यहां पर आपको इसमें नहीं मिलता है, दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट सेम 3D टच के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो है बैकग्राउंड आप देख सकते हैं थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट टाइप का हो जाता है, दिखने में ज्यादा अपीलिंग ये लग रहा है। बट एक चीज आईकू में ये अच्छी है कि यहाँ से आप सिंपली स्वाइप राइट करेंगे तो आपके सामने विजेट का ऑप्शन आ जाएगा, आप सिंपली यहाँ से विजेट ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा, देन विजेट में जाके चेंज कर पाएंगे। अगर बात करें वॉलपेपर की तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम या रियलमी ऑपरेटिंग सिस्टम बोल लीजिए, इसमें ज्यादा वॉलपेपर एंड ज्यादा बेटर लाइव वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं देन आईको। आईको में गिने चुने हैं एंड वो भी ज्यादा कुछ यहाँ पर मेरे को बेहतर नहीं लगे हैं। प्लस यहाँ पर कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको आइकन्स की शेप साइज वगैरह चेंज करने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ पर राउंड कॉर्नर को स्क्वायर बना सकते हैं, स्क्वायर को कुछ और बना सकते हैं, फोरग्राउंड कैसा चाहिए आइकन के अंदर का, आइकन का साइज कितना बड़ा छोटा चाहिए, एंड थीम्ड आइकन आपको दोनों में ही मिल जाता है। जो जो ऐप सपोर्टेड है वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं थीम के अकॉर्डिंगली। बट एक चीज आप नोटिस करोगे यहाँ पर, ये ब्लू है, ये यहाँ पर थोड़ा सा पिंकिश टाइप का इसने किया है, लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन है, इसने ग्रीन बनाया। सो ज्यादा क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील डेफिनेटली आपको फंड टच ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाएगी। उसी के साथ यूआई कलर को अगर आपको चेंज करना है तो ज्यादा आपको पैलेट्स के ऑप्शन यहाँ पर फंड टच ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे, यहाँ पर 16 मिल जाते हैं एंड इसमें आपको 6 ही मिलते हैं। ज्यादा स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है तो फंड टच ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादा क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाले फीचर्स आपको मिलेंगे। एक और फीचर आपको तगड़ा मिल जाता है, नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के आपके में जो है अलग से 15 करोड़ थीम्स जो है आ जाएंगी। कुछ भी बढ़ते हैं यहाँ पर अपने अगले मुद्दे की तरफ, जो है सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर मैं बोलूंगा ज्यादा बेटर सेटिंग का जो पूरा यूआई है, मेरे को ज्यादा अपीलिंग यहाँ पर कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलता है। इसमें बहुत बोरिंग टाइप का है, मतलब बहुत पहले से चला हुआ रहा है, इसको चेंज भी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर आईक्यू वीवो वाला देख रहा है तो प्लीज इस अपने यूआई को थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की भी बहू, अब जो है सास बन चुकी है, उसके बच्चे हो गए हैं, उसके बच्चे भी सास बन चुके, लेकिन ये यूआई यहाँ का जो
ज्यों का त्यों है अभी तक। अगर बात करें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तो भी यहाँ पर आपको ज्यादा ऑप्शंस ये कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास भालू है, भालू के साथ पेंगुइन है, देन डिजिटल क्लॉक के अलग आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, देन एनालॉग क्लॉक के अलग मिलते हैं, देन रियल मियाओ के अलग मिल जाते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर लिमिटेड आपको मिलते हैं, इतने में से ही जो है आप थोड़ा बहुत पर्सनलाइज वगैरह भी कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये ऑप्शन भी मिल जाते हैं म्यूजिक प्लेबैक का, एंड कॉन्टेक्चुअल इन्फो आपको मिल जाएगी, जैसे कोई डिलीवरी के लिए आ रहा है तो आपको यहाँ पर इस टाइप से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगी। डेफिनेटली एक स्टेप एडवांस बना देता है के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी। एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप कैनवा भी जो है यहां पर जनरेट कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखेगा। प्लस कस्टम पैटर्न भी आप यहां पर बना सकते हैं कुछ इस टाइप से, जैसा भी आपको यहां पर चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज की शक्तियां हम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। प्लस आपको यहां पर अलग अलग फॉन्ट्स भी मिल जाते हैं इसमें। आइकन्स को मैंने पहले ही बताया कि आप यहां पर अलग अलग टाइप से एडजस्ट कर सकते हैं, इवन नए आइकन को भी यहीं से ऐड कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट आइकन के एनिमेशन की बात करें तो यहां पर भी आपको दोनों में से ज्यादा तो आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलते हैं, बट यहां पर भी आपको कुछ कुछ अच्छे मिल जाते हैं। प्लस एज लाइटिंग का भी ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाता है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो इस टाइप से एज लाइटिंग जलेंगी यहां पर। उसी तरह यहां पर आपको चार्जिंग एनिमेशन जो है अलग अलग चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। यहां पर कोई भी ऐसा एनिमेशन आपको नहीं मिलता, सिंपली एक ही एनिमेशन मिलता है इस टाइप का। एंड चार्जिंग के साथ साथ यूएसबी अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो नीचे में कुछ इस टाइप से आपको नीचे एनिमेशन शो होगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन कैसा चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो कुछ चीज़ें कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादा है, कुछ फन टच में ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा बेटर आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही मिल जाते हैं। कस्टमाइजेशन के बारे में बात करें तो बैटरी का सेक्शन भी आपको कुछ इस टाइप से दोनों में अलग अलग शो होगा। ज़्यादा कन्वीनियंट मेरे को यहाँ पर कलर ऑपरेटिंग सिस्टम का लगता है, ईजी है, मतलब काफ़ी ईजिली कोई भी पढ़े तो आप उसको समझ आ जाएगा। स्मार्ट मोशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। स्मार्ट वेक में जाएंगे तो आप ये सारे जो है यहाँ पर पैटर्न इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पर एम अगर ड्रॉ करूंगा तो म्यूजिक चल जाएगा। अगर स्क्रीन मैंने ऑन की है, इसे शेक करूंगा तो फ्लैशलाइट भी जल जाएगी। प्लस अगर मुझे म्यूजिक चेंज करना है तो मैं हॉरिजॉन्टली स्वाइप करूंगा तो म्यूजिक भी यहां पर चेंज हो जाएगा। तो यही सेम मोशन आपको इसमें भी मिल जाते हैं, एंड इसमें आपको ज़्यादा मोशंस मिलते हैं। प्लस कुछ स्पेशल फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। स्मार्ट स्लाइड बार आपको मिल जाता है, जैसे इनेबल करेंगे आप कहीं पे भी हैं किसी भी ऐप में सिंपली स्वाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐप्स आ जाएंगे, इसे आप ऐड भी कर सकते। बात करें रिसेंट मेन्यू की तो यहाँ पर आपके सामने हर एक ऐप को आप फ्लोटिंग विंडो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। नाउ गेमिंग के टाइम पे क्या क्या रंगीनियाँ मचा सकते हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको गेमिंग मोड में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वन प्लस में या आपको रियलमी के डिवाइस में। जैसे आप यहाँ पर जो सिस्टम का स्टैट दे सकते हैं, इसमें FPS, GPU कितना यूज़ हो रहा है, CPU कितना यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये शो हो जाएगा। बाद आपके सामने वॉइस चेंजर का भी ऑप्शन मिल जाता है। प्लस यहाँ पर टेम्परेचर एंड बैटरी परसेंटेज भी शो करेगा। फन टच में भी आपको काफ़ी सारे गेमिंग के अलग अलग मोड मिल जाते हैं, जैसे गेम डिस्प्ले एनहेंसमेंट आपकी थोड़ी ब्राइटनेस यहाँ पर ये बढ़ा देगा ताकि गेम के टाइम पे आपको ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस मिले। 4D वाइब्रेशन मिल जाता है, वॉइस चेंजर यहाँ पर भी मिल जाता है, गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मिल जाता है, एंड ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बात करें अगर गेमिंग की तो मैं बोलूँगा ज़्यादा जो IQ के डिवाइस होते हैं ये गेमिंग सेंट्रिक काफ़ी रहते हैं, तो गेमिंग के टाइम पर आपको अच्छी खासी तगड़ी परफॉर्मेंस डेफिनेटली ये दे देंगे। दोनों का कैमरा भी आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, कुछ कुछ फीचर्स यहाँ पर जैसे मोर में जाते हैं, जैसे एस्ट्रो फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स मोड, ये सारी चीजें यहां पर से मिसिंग है। लास्ट में कंक्लूजन में आए तो अगर आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, आप जो है दिन भर जो है मैगी नहीं खा सकते, आपको हर दिन अलग अलग हक्का नूडल चाहिए, तो आप डेफिनेटली रियलमी ऑपरेटिंग सिस्टम या कलर ऑपरेटिंग सिस्टम या वन प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जा सकते हैं। तीनों में ही सेम एंड्रॉइड 13 के फीचर्स आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में, सो तीनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको बोरिंग UI चाहिए लेकिन उसके साथ परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी चाहिए, आपके लिए परफॉर्मेंस मैटर करता है, UI मैटर नहीं करता है, तो आप IQOO फन टच के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको अपने जीवन में असली रंगीनियाँ चाहिए तो आपको जो है जाना है VJ मेहता के साथ, नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के। अब तो वैसे लाल नहीं रहा, और जो भी है दबा दो, दब जाना चाहिए, क्योंकि कातिया अगर तुम लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाओगे तो जीवन में रंगीनियां कैसे आएंगी। सो गाइस मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग दस वर्ड वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।